असलम आई यू डे फैमिली वेलकम टू एनदो वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑलिव नेचुरस के सन ब्लॉक का डिटेल्ड और ऑनस्ट रिव्यू क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करी हूँ मैंने अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी तो उसके बाद से मुझे डी एम आए थे कि आप जो है ना ऑलिव नेचुरल्स के सन ब्लॉक का रिव्यू शेयर कर दें क्योंकि उन्होंने बाय करना है अच्छा जी इसका एस पी एफ जो है वो सेवेंटी है दोनों यू वी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है इस पर मैंशन है कि ये नॉन ग्रीजी है ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है इंग्रीडियंट इस पर मैंशन है आप चाहें है, तो पॉज करके पढ़ सकते हैं और जी इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ है है थोड़ा सा यहां से हट चुका है, पैकेजिंग हलाल प्रोडक्ट है और वेरीफाइड भी है, स्कैन भी कर सकते है। आप इसको इसकी प्राइस का जो है ना मैं साइड पर स्क्रीन शॉट लगा दूंगी आप लोग देख लीजिएगा ये काफी अफोर्डेबल है अंडर फाइव हंड्रेड है इजीली दराज से मिल जाता है आपको आप इनकी वेबसाइट से भी बाई कर सकते हैं दराज से भी जल्दी मिल जाता है आपको जहां से आपकी मर्जी हो आप बाई कर सकते हैं अच्छा जी ये इतना सा ही इसका जार है और ये इसी तरह की पैकेजिंग में आता है मतलब इसके ऊपर कोई भी अलग से बॉक्स नहीं होता और ये इतनी ही पैकेजिंग है इसकी लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है ना अंदर वो फुल भरा हुआ होता है फुल कंप्लीटली ठीक है अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ ये देखें इसके साथ हमें एक्स्ट्रा लेड मिलती है जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का मटीरियल है अंडर का जो प्रोडक्ट है वो सेव रहता है हाइजेनिक हो जाती है एक बात एक तरीके से यह बहुत अच्छी बात ठीक है अब इसको देखें आपने मैंने इसको इतना यूज किया है और ये जो है ना इसमें बिल्कुल भी कोई वाइट कास्ट नहीं है आगे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ और ये जो है ना अभी मैंने काफी सारा यूज किया हुआ है फिर भी अभी तक बहुत सारा पड़ा हुआ है तकरीबन ये जार जो है ना टू मंथ्स तक यूज हो जाएगा लेकिन आपने ये रूल नहीं भूलना कि आपने टू फिंगर पर अप्लाई करना है उसके बाद ही आपने जो है ना फेस पर अप्लाई करना है ठीक है अभी मैं आपको सिर्फ वाइट कास्ट दिखाने के लिए यहाँ पर इसका लगा के दिखाती हूँ आपको ये देखें जी मैंने थोड़ी सी अमाउंट ली बहुत बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्स्चर है बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा और जिसकी खुशबू निविया क्रीम जैसी आती है थोड़ी थोड़ी सी ठीक है अब हम इसको मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ इसका कितना वाइट कास्ट है वो भी आप देख लेंगे ठीक है तो इसके मैं अपना रिव्यू शेयर कर देती हूँ इसको अप्लाई करने के बाद जी बिल्कुल भी फेस पर कोई इरिटेशन नहीं होती भले आपके फेस पर एक्नी भी क्यों ना हो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई मेरी स्किन ऑयली है ऑयली स्किन पर भी मैंने इसको अप्लाई किया है तो पाँच मिनट तक ये ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयली फ़ील होता है ग्रीजी फील होता है लेकिन उसके बाद ये ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी आपकी स्किन को बॉर्डर नहीं करता एक अलग सा शाइन भी होता है आपकी स्किन पर वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता भले आपका कोई भी स्किन टोन है कॉम्प्लेक्शन है आपको बिल्कुल भी कोई इरिटेशन नहीं होगी क्योंकि ये फ़ॉन से ब्लेंड हो जाता है ठीक है आप चेक कर सकते हैं ये थोड़ा सा इसमें ना ग्लोई शाइन सा आ रहा है और थोड़ा सा वाइट कास्ट है ठीक है और जो है ना ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है बहुत ईजीली काफ़ी अच्छा इस प्रोडक्ट है मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है क्योंकि ये आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है बहुत अच्छे से और पाँच मिनट के बाद ये ड्राई हो जाता है हाँ इसका मुझे एक थोड़ा सा इशू लगा कि ये ना आपकी स्किन पर स्वेट लाता है पसीना लाता है ठीक है तो वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर से पाउडर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं लाइक अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लें लूज पाउडर अप्लाई कर लें हल्का सा टचअप दे दे, दे ब्रश के साथ तो आपका जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका फेस ठीक है बस ये आ, स्वेट लाता है स्वेट के लिए आप जो है ना स्वेट प्रूफ पाउडर अप्लाई कर लें, आपका मसला सॉल्व हो गया सो या आई होप मैंने सारा कुछ इसके बारे में बता दिया है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है तो फालतू में जो है ना वीडियो को लंबा करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है तो यही था मेरा ऑनेस्ट और डिटेल रिव्यू आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है उसको इग्नोर करने के लिए और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाफिज़ टेक केयर